भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। दरअसल इंडिया की लीडिंग एंटरप्राइज ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी द्वारा बनाए गए आईजी ड्रोन्स को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पीरियोडिक मॉनिटरिंग की जानी थी। हालांकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को ऑप्टिमिस्टिकली इस साल ही कंप्लीट हो जाना था 2023 तक अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। हालांकि यहां पर लैंड एक्विजिशन और काफी सारे रीजंस के चलते डिले होता गया और अब 2027 तक ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन हो पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत हर एक बारीकी पर नजर रखा जाएगा कि हर दिन कितना काम किया जा रहा है, इन प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा और उसके बेसिस पे सारा डेटा एनालाइज किया जाएगा। अब इस तरह के ड्रोन टेक्नोलॉजी के काफी सारे फायदे हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में ये एक काफी बड़ा इश्यू हमारा सॉल्व कर सकता है, हर एक बारीकी पर नजर रखा जा सकता है। फिर इंस्पेक्शन, यहाँ पर भी ये काफी क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं। मेंटेनेंस इश्यू को काफी तेजी से एड्रेस किया जा सकता है, अगर कोई डिफेक्ट है, वियर एंड टियर है, उसको भी बारीकी से देखा जा सकता है। फिर सिक्योरिटी के मामले में भी ये काफी ज्यादा बेहतर है, पोटेंशियल थ्रेट्स और जो भी इंट्रूजन्स आइडेंटिफाई करना है सर्विलियंस और सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये ड्रोन्स एक काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए अगर इमरजेंसी के हालात आ जाते हैं तो ड्रोन्स काफी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इन सिचुएशन में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं टू रेलेवेंट अथॉरिटीज, सो दैट उस हिसाब से हम काफी तेजी से यहाँ पर रिएक्शन कर पाए। एक और बात जानकर आपको खुशी होगी कि ये जितने भी ड्रोन्स बनाए गए हैं भारत में ही इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के तहत डेवलप किए गए हैं यूजिंग सोफेस्टिकेटेड सेंसर्स। इनफैक्ट ये सोफेस्टिकेटेड सेंसर्स भी कंपनी ने खुद बनाए हैं इंडिजिनियसली। ये ड्रोन्स कैप्चर करेंगे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और वीडियोस को ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। इसे प्रोसेस किया जाएगा कंपनी के ही द्वारा डेवलप किए गए एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की मदद से। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर काफी टेक्निकल इनसाइट्स और एनालिटिक्स प्रेजेंट करा के देगा, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस क्या है, कहां प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, सब कुछ हम फिर आसानी से इन पर काम कर सकते हैं। अच्छी बात इनकी ये भी है कि मान लीजिए अगर खराब मौसम है तो काम बिल्कुल नहीं रुकेगा और ड्रोन भी अपना काम करता रहेगा। IP67 रेटेड ये ड्रोन्स आएंगे, नेविक और GPS नेविगेशनल सिस्टम को भी सपोर्ट करेंगे। ये तो बस एक शुरुआत है, आने वाले समय में तो दिल्ली अमृतसर, मुंबई नागपुर, दिल्ली वाराणसी, अहमदाबाद उदयपुर, चेन्नई बेंगलोर मैसूर जैसे काफी सारे तमाम प्रोजेक्ट्स भी लाइंड अप है और यहाँ पर भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, सो दैट हर एक दिन क्या प्रोग्रेस हो रहा है सब कुछ इजीली ट्रैक करके फटाफट से काम को कंप्लीट किया जा सके। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है अपनी, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।